हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं धीरज। और गाइस, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि हम अपने यूट्यूब वीडियोस पे एंड स्क्रीन का यूज़ तो करते हैं, लेकिन एंड स्क्रीन हमारी वीडियो पे शो नहीं होता है। तो गाइस, इसके लिए हमें एक सेटिंग करनी होती है अपने यूट्यूब चैनल के अंदर। अगर आप वो सेटिंग कर लेंगे तो वो शो होने लगेगी। तो क्या है वो सेटिंग, उसके लिए आप पूरी वीडियो देखिए ताकि आपको कम्प्लीट इन्फॉर्मेशन मिल सके। तो आइए गाइस, देखते हैं कैसे करते हैं वो सेटिंग, क्या सेटिंग है। तो गाइस, सबसे पहले अपने ब्राउज़र पर यूट्यूब लिख लीजिए। हम YouTube लिखेंगे, उसके बाद अपने ब्राउज़र को हम डेस्कटॉप वर्जन में कर देते हैं, क्योंकि मैं मोबाइल पे दिखा रहा हूँ। अगर आप लैपटॉप वगैरह पे हो तो डायरेक्टली कर सकते हैं। तो गाइस, अपने ब्राउज़र पे YouTube लिखेंगे, YouTube पे क्लिक करेंगे तो हो सकता है आपको बैप पे ले जाए, लेकिन हमें ब्राउज़र पे काम करना है। दोबारा YouTube पे क्लिक करिए, कैंसिल पे क्लिक किए तो आपका YouTube पेज आपके ब्राउज़र पे ओपन हो जाएगा इस तरीके से। तो गाइस, इसको दोबारा से मैं डेस्कटॉप वर्जन में कन्वर्ट कर लेता हूँ, क्योंकि ये मोबाइल वर्जन ओपन हो गया है। तो गाइस, डेस्कटॉप वर्जन पे कन्वर्ट करने के बाद इस तरीके से दिखाई देगा। तो कहीं ये राइट हैंड साइड कॉर्नर में ऊपर मैंने लॉगिन किया हुआ पहले से अपने यूट्यूब पे, आप लॉगिन कर लीजिए। लॉगिन करने के बाद इस पर क्लिक करेंगे अपने आइकन पे तो योर चैनल का ऑप्शन आएगा, योर चैनल पे क्लिक कीजिए। उसके बाद आपका चैनल ओपन हो जाएगा, ये आपका होम पेज ओपन हो गया आपके चैनल का। तो गाइस, यहाँ पे आप देखेंगे दो बटन दे रखे हैं, ब्लू टैब दे रखे हैं, तो हमें मैनेज वीडियो वाले टैब पे क्लिक करना है। इस पर आप क्लिक करोगे तो आपका यूट्यूब स्टूडियो पेज ओपन हो जाएगा, जहाँ पे देखिए चैनल वीडियोस लिखा है और नीचे आपकी सारी वीडियोस शो होने लगेंगी। गाइस, तो देख सकते हैं नीचे आपकी सारी वीडियोस शो हो रही है और उसके बाद डिस्क्रिप्शन साइड में, तो ये देख लीजिए ये सारी वीडियोस मेरे चैनल की जो मैंने डाली हुई है, और साइड में उसकी कुछ डिस्क्रिप्शन है, क्या विजिबिलिटी है, क्या ऑडियंस है, और पब्लिक, जैसे कि आप देख सकते हैं इस तरीके की कुछ डिस्क्रिप्शन साइड में आ जाएंगी। तो गाइस, करना क्या है आपको, यहाँ देखिए गाइस ऊपर कुछ चेकबॉक्स दे हुए हैं, तो वीडियो के आगे एक चेकबॉक्स है, हर वीडियो के सामने है लेकिन सबसे ऊपर एक अलग से वीडियो पर चेकबॉक्स है, उस पर आप क्लिक करोगे तो आपकी सारी वीडियो सेलेक्ट हो जाएंगी। तो हमें सबसे ऊपर वाले चेकबॉक्स पर क्लिक करना है, इससे हमारी सारी वीडियोस देखिए सेलेक्ट हो गई है। गाइस, सारी वीडियोस सेलेक्ट होने के बाद आप यहाँ पर देखेंगे एडिट का ऑप्शन है, एडिट के ऑप्शन पर हम क्लिक करेंगे तो गाइस यहाँ पर कुछ ऑप्शन ओपन हो गए, जैसे टाइटल, डिस्क्रिप्शन, टैग, विजिबिलिटी, ऑडियंस। तो गाइस, इस तरीके के कुछ ऑप्शंस ओपन हो गए हैं, तो हमें ऑडियंस पे क्लिक करना है। गाइस, यहाँ पे हम ऑडियंस पे क्लिक करेंगे। तो गाइस, ऑडियंस पे क्लिक करने के बाद कुछ इस तरीके का पेज ओपन हो जाएगा, नीचे कुछ सेटिंग्स ओपन हो जाएंगी। तो आप देख सकते हैं ऑडियंस की कुछ सेटिंग्स है यहाँ पे नीचे आप। तो गाइस, हम थोड़ा नीचे आएंगे, ये गाइस थोड़ा सा नीचे करोगे आप पेज को तो ये अभी हमारी सारी वीडियो सिलेक्टेड है। तो यहाँ पे दो ऑप्शन आपको दिख सकते हैं कि रेड कलर का बॉक्स है, उसके अंदर दो बॉक्स, दो लाइन लिखी हुई है, दो पॉइंट्स है, एक है यस इट्स मेड फॉर किड एंड दूसरा पॉइंट है नो इट्स नॉट मेड फॉर किड्स। तो गाइस, अगर आप चाहते हो कि आपकी वीडियो पे एंड स्क्रीन दिखाई दे तो आपको सेकेंड वाला ऑप्शन सेलेक्ट करना है, नो इट्स नॉट मेड फॉर किड्स। गाइस, इस ऑप्शन को सेलेक्ट करना पड़ेगा अगर आप चाहते हो कि आपकी वीडियो पे एंड स्क्रीन या आई बटन दिखाई दे। अगर आप ऊपर वाला सेलेक्ट करोगे या इनमें से कोई भी सिलेक्ट नहीं होगा तो आपकी वीडियो पे एंड स्क्रीन या आई बटन शो नहीं होगा। तो गाइस, यहाँ पे आके आप ये सेकंड वाला ऑप्शन सेलेक्ट कर लीजिए और ऊपर आके यहाँ से अपडेट वीडियोस पे क्लिक कर दीजिए, इसे अपडेट कर दीजिए। गाइस, अपडेट करेंगे तो ये एक बॉक्स ओपन हो जाएगा, यहाँ पे आप इस पे क्लिक कर दीजिए आई अंडरस्टैंड वाले पॉइंट पे, इसे टिक करने के बाद आप अपडेट वीडियो पे क्लिक कर दीजिए। अपडेट वीडियो पे क्लिक करने के बाद ये अपडेट होने लग जाएगा इस तरीके से, देखिए अपडेट हो रहा है। तो देखिए गाइज, नीचे आप देख सकते हैं कि सक्सेसफुली अपडेट हो गया है। तो गाइज, ऐसे इसे अपडेट करने के बाद आपकी वीडियो, जिस भी वीडियो पे एंड स्क्रीन लगा होगा वो शो होने लगेगा। तो गाइज, आपकी सारी वीडियोज़ पर आप एंड स्क्रीन लगा सकते हो, वो अब शो होने लगेगा क्योंकि आपने सारी वीडियोज़ पे सेटिंग्स में नो वाले ऑप्शन को सेलेक्ट किया। तो गाइस, मैं चला के दिखाता हूँ अपनी वीडियो को। तो गाइस, ये मेरे चैनल की मैं कोई वीडियो लगा चलाता हूँ, मैंने अपनी हर वीडियो पे एंड स्क्रीन लगाया हुआ है, तो इस वीडियो को मैं चलाता हूँ और एंड में जाकर दिखाता हूँ कि एंड स्क्रीन शो हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो गाइस, ये हम एंड में आ गए, लास्ट में आ गए। तो ये देखिए गाइस, ये एंड स्क्रीन कि ऑप्शंस हमारी वीडियो में शो हो रहे हैं इस तरीके से, जो मैंने अपनी वीडियो पे लगाए हुए हैं। तो गाइस, यहाँ पे आकर आप ये सेटिंग कर लीजिए, आपकी एंड स्क्रीन आपकी वीडियोस पे दिखाई देने लगेंगी। तो गाइस, अगर आप चाहते हो
आप किसी पर्टिकुलर वीडियो पे एंड स्क्रीन लगाना चाहते हो, किसी पर्टिकुलर वीडियो को सेलेक्ट करना चाहते हो, तो आप एक पर्टिकुलर वीडियो सेलेक्ट कर लीजिए और ये एडिट ये ऑप्शन में जाके ये सेकंड वाला ऑप्शन सेलेक्ट कर लीजिए। आप चाहते हो कि सारी वीडियोस पे एंड स्क्रीन लगाना, तो आप एक साथ सारी वीडियोस भी सेलेक्ट कर सकते हैं, जैसे आपको कंफर्टेबल लगे वैसे आप कर लीजिए, लेकिन आपकी हर वीडियो पे ये वाला ऑप्शन, सेकंड वाला ऑप्शन नो इट्स नॉट फॉर किड्स पे सेलेक्ट होना चाहिए, तभी एंड स्क्रीन दिखाई देगा। तो गाइस आज की वीडियो में इतना ही, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए एंड वीडियो को शेयर कीजिए। बाय गाइज़।